हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप आज आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ, यह टॉपिक आप अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से अक्सर जब भी सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट की बात आती है तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपको सुनने में मिलता होगा। वास्तविकता में ये क्या है और ये किस प्रकार का होता है, इसकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसके में कॉलेजियम में। तो ये क्या है, सबसे पहले लिखा है व्हाट इज कॉलेजियम, कॉलेजियम होता क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना है। ठीक है, कॉलेजियम कब आया ये देखना है, किस वजह से आया ये भी देखना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बात जान लीजिए, कॉलेजियम है क्या। कॉलेजियम कुछ नहीं है, कॉलेजियम एक ऐसी संस्था, एक फोरम है। कोई आप बहुत उसको समझेंगे कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है तो ऐसा नहीं है। कॉलेजियम क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट लिख रहा हूँ सीधे, सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो पोस्टिंग है, क्या जजों की पोस्टिंग, नियुक्ति, ठीक है, और ट्रांसफर यानी किसी और हाई कोर्ट वगैरह का किसी अन्य हाई कोर्ट में, इसके लिए ये बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट में। कॉलेजियम जो है ये बनाया गया था, सीधे सीधे आकर एक लाइन में कहा जाए तो कहा जाएगा, जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतर में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम उच्चतर न्यायिक सेवा कहते हैं। ठीक है, उच्चतर न्यायिक सेवा जिसको कहते हैं, यानी कि जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ उसके नीचे वाली नहीं, लोअर जुडिशरी जो उसके नीचे होती है वो आप लोग को मालूम होगा सामान्यता कि भाई सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं और उसके नीचे लोअर जुडिशरी जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, मुंसिफ कोर्ट वगैरह कहते हैं, सब उसके नीचे आते रहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है क्योंकि देश का एक ही सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है जो चलता है जजों की ट्रांसफर, पोस्टिंग, उनकी नियुक्तियां और कौन सा जज ट्रांसफर होकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में आएगा, ये सारे काम तय करने का कार्य किसका है, तो ये जो है कॉलेजियम का है। किसका है, कॉलेजियम का है। अब ये जो कॉलेजियम होता है ना दोस्तों, ये किससे मिलकर बनता है, आपको ये जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो ये लिखा है ना कॉलेजियम, ये कॉलेजियम जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, यानी चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जज, यानी कि कौन कौन, आपको बता दे रहा हूं एक बार, सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे देश के चीफ जस्टिस होंगे, कौन होंगे, जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, सीजीआई कहते हैं, ये सीजीआई जो होते हैं ना, ये और इनके साथ के सीनियर मोस्ट चार जजेस, चार अन्य न्यायमूर्ति या जस्टिस जिसको हम कहते हैं। देखिए एक बात जान लीजिएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हिंदी में न्यायमूर्ति और इंग्लिश में जस्टिस कहते हैं। आम चलन में लोग जज कह देते हैं, लेकिन जब कोई एक कानून का आदमी है वो जस्टिस बोलेगा, वहां पर न्यायमूर्ति बोलेगा। ठीक है, अभी बड़ा बड़ा एक जो है विवाद इसमें भी चलता है कि कोर्ट में क्या, किस नाम से वकील जो है जज को बुलाएं, योर ऑनर बोले, माय लॉर्ड बोले, क्या बोले, ऐसा चलता रहता है। खैर वो तो कई जगह अलग अलग प्रकार का आया, अभी जस्टिस बोबड़े उन्होंने भी ये कहा था कुछ उस पर कि आप क्या कहिए क्या ना कहिए, सर कह के बुलाइए, ऐसा चलता रहता है। खैर हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो है कॉलेजियम। कॉलेजियम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, और प्लस में चार सीनियर जज, कौन से चार सीनियर जो जज होते हैं, यानी कि जस्ट चीफ जस्टिस से नीचे, यानी कि मान लीजिए कि वर्तमान चीफ जस्टिस सबसे ऊपर और इसके बाद के दो नंबर, तीन नंबर, चार और पांच नंबर के क्रम के जो जज होंगे, इनको इनको पूरे को मिला करके एक पैनल बनता है, एक फोरम बनता है, वो फोरम ही कहलाता है क्या, वही फोरम कहलाता है कॉलेजियम। क्या कहलाता है, कॉलेजियम कहलाता है, इन्हीं से मिलकर के बनता है। ठीक, यही तय करते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा जस्टिस जाएगा, कौन सा जस्टिस बनने लायक है, किसकी नियुक्ति जज के रूप में होनी चाहिए, कौन सीनियर एडवोकेट जज बन सकता है। ऐसे ट्रांसफर, पोस्टिंग और जज बनने के जो नाम को संपत्ति होती है वो इसी फोरम द्वारा होती है, इसको हम कॉलेजियम कहते हैं। बात क्लियर, कॉलेजियम क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस चार सीनियर मोस्ट जज को मिला करके जो फोरम बनता है, इस फोरम को कहते हैं कॉलेजियम। एक लाइन में आपको ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद आगे कहता है कि इसके बारे में अगर हम आगे पूछता है कि इसका कोई संवैधानिक उपबंध है, तो साफ साफ शब्दों में है कि आप कहीं ढूंढ लीजिए, इसका कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है। संविधान में कॉलेजियम की कोई व्यवस्था है ही नहीं।
अब देखिए एक बहुत जो है एक ऐसी कंफ्यूजन वाली बात आपको बताता हूँ। आप लोग सब लोग क्योंकि पीसीएस आईएएस और अन्य तैयारियां कर रहे होंगे, एक बात आपको बताता हूँ। अगर सामान्य आपसे कोई पूछे कि कानून कितने प्रकार से बनता है, एक प्रश्न कानून कितने प्रकार से बनता है, क्योंकि आप लोग सब प्रशासनिक व्यवस्था चलाने वाले होंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो क्या अगर कोई कॉलेजियम जैसे कानून कोई है, जैसे ये कॉलेजियम जो है ये है क्या, ये कहां से आया, जब संविधान में इसको अवबंध नहीं, पार्लियामेंट ने इसको बनाया नहीं, ठीक है, राष्ट्रपति ने इसको जो है कोई परमिशन नहीं दी, ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया, ये कहां से आ गया कॉलेजियम भाई। बिना कोई संवैधानिक उपबंध के कोई तंत्र खड़ा हो जाए तो कैसे, ये भी तो एक प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है कॉलेजियम कहां से आया, इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसको जो है सामान्यतः एक सरल भाषा में थ्री जजेस केस कहते हैं। तो पहली बात तो समझ लीजिए कि कॉलेजियम क्या है। तो एक मोटी मोटी बात है कि कॉलेजियम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस वन ऐसे कर देते हैं हम, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चार सीनियर मोस्ट जज से मिलकर बना एक फोरम है जो जजों की नियुक्ति ट्रांसफर पोस्टिंग, ठीक है, इनसे रिलेटेड कार्य करता है, ठीक। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम है, इसको हम जो है इनको 1+4 को सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम कहते हैं। और इसके बाद ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति ट्रांसफर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसकी नियुक्ति होगी जजों के रूप में और कौन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आएगा, ये सिर्फ ये पांच लोग मिलकर सिर्फ इतना ही तय करते हैं। जब हाई कोर्ट की बात आती है तब थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है इस कोलिजियम में। क्या हो जाता है, ये तो रहते ही रहते हैं पांचों, इसके अलावा जिस हाई कोर्ट की बात आएगी, मान लीजिए कि यूपी हाई कोर्ट की बात आई, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात आई, ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है, यूपी हाई कोर्ट की अगर बात आती है तो वहां का चीफ जस्टिस कौन, वहां का जो इसका जो चीफ जस्टिस होगा, यानी कि कहां का, यहां का चीफ जस्टिस, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट का, यानी जिस हाई कोर्ट की बात आती है वहां का चीफ जस्टिस भी इसमें कॉलेजियम में शामिल हो जाता है, वो भी रहता है। और इसके अलावा राज्य का राज्यपाल उससे भी पूछा जाता है, ठीक है, ये कॉलेजियम की व्यवस्था राज्य के लिए बदल जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बताते हैं कि इसका कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो जजों ने जो है ये तीसरा जजेस केस, अभी जजेस केस को एक एक करके एलिब्रेट करूंगा बहुत अच्छे से, तो अभी मैं बता दूं कि तीन जजेस केस है, ठीक है, तीन जजेस, ठीक, जजेस केस बताते हैं। इन तीन जजेस केस के जो निर्णय थे, निर्णय है ना, कोर्ट में कोई केस आता है तो वो निर्णय जो होते हैं वो भी एक गाइडलाइन, एक रूलिंग हो जाते हैं। जैसे आपको मालूम होगा अगर पढ़ने वाले आप लोग हैं तो, विशाखा गाइडलाइन करके एक आया था, क्या था वह, क्या नाम है, सेक्सुअल हरेसमेंट इन वर्किंग प्लेस, माने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, इससे रिलेटेड जो है एक निर्णय आया था विशाखा का। उस गाइडलाइन को बहुत सालों तक सरकार ने, मतलब बहुत सालों तक एक कानून के रूप में मान्यता थी और फॉलो होता था, वही गाइडलाइन के अनुसार ही निर्णय हो रहे थे, कोई कानून नहीं था वर्किंग प्लेस के लिए, लेकिन वो उस समय काम कर रहा था। बाद में संसद ने कानून बना दिया, वो समाप्त हो गया, गाइडलाइन मतलब गाइडलाइन काम करना बंद कर दी, गाइडलाइन वही रहेगी पर कानून आ गया तो अब कानून के तहत काम होने लगा डायरेक्ट। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो थ्री जजेस केस के जो स्टेटमेंट थे या जजमेंट थे, जिसको हम इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं, प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट कहते हैं, पूर्व न्याय जिसको कहते हैं, उन्हीं के आधार पर जो है ये इसकी कॉलेजियम की उत्पत्ति हुई है, पैदा हुआ है कॉलेजियम, ठीक है। तो बेसिकली आपको बात समझ में आ गई कि स्टेट का कॉलेजियम कैसा होता है, राज्य में नियुक्ति चीफ जस्टिस को छोड़ करके इसकी खुद की नियुक्ति की बात आएगी तब बात अलग है। शेष टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए ये पांच लोगों का पैनल, और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को छोड़ के अगर किसी अन्य की नियुक्ति की बात आती है तो चीफ जस्टिस शामिल होगा उस राज्य के हाई कोर्ट का, ठीक है। इसके अलावा अगर वहां के अन्य लोग, मतलब और कोई जज है, तो उसमें क्या होता है, एक आपको और चीज समझाता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का, जो पूरे जजेस है टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ जजेस जो हैं, उसमें कोटा होता है हर राज्य का, हर राज्य के जज जो है, हर राज्य से कोई ना कोई जज सुप्रीम कोर्ट में होता है। इसलिए जब उस राज्य में हाई कोर्ट की इनमें किसी की नियुक्ति होती है जज के तौर पर, तो वहां पर उससे सुप्रीम कोर्ट में जो उस राज्य का जज आया होगा, जैसे मान लीजिए कि यूपी हाई कोर्ट से कोई यहां पर गए जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में है, तो अब यूपी हाई कोर्ट में जब किसी जज की नियुक्ति होगी तो उनसे भी पूछा जाएगा, ठीक है, उनसे भी सलाह ली जाएगी कि भैया उनके बारे में, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है। ये कॉलिजियम क्यों है, समय समय पर बदनाम होता रहता है, इसलिए बदनाम होता है कॉलिजियम, क्योंकि ये कहना कि लोग कहते हैं वंशवाद को बढ़ावा दे रहा है कॉलिजियम, क्या कर रहा था, वंशवाद को बढ़ावा दे रहा है। अभी एक मोटी मोटी बात बताता हूं आप लोग के परीक्षा से संबंधित, ठीक है, वो क्या है उसको भी देख लेते हैं एक बार। वो क्या है कि ये लोग पूछते हैं कि भाई जो कॉलिजियम का वर्तमान सिस्टम है ये 1998 में आया है, कब आया है वर्तमान कॉलिजियम का ये जो व्यवस्था है, यानी कि कौन सी चीफ जस्टिस प्लस चार सीनियर जज की ये व्यवस्था कि यही ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, सरकार का कोई लेना देना नहीं, कार्यपालिका सम्मिलित नहीं होगी, ये जो व्यवस्था है ये 1998 में आई है। अगर ये 98 में आई है तो इसके पहले नियुक्ति कैसे होती थी, प्रश्न है ना। तो इसके पहले जो नियुक्ति थी वो सामान्यतः जो संवैधानिक प्रावधान है उसी के तहत सीधे सीधे होती थी, ठीक। अब वो संवैधानिक प्रावधान आपको मिल जाएगा, आप आर्टिकल 124 पढ़ेंगे, जब आर्टिकल 124 पढ़ेंगे तो आपको एक संवैधानिक प्रावधान मिलेंगे कि ये भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसमें जो है उस सुप्रीम कोर्ट के लिए एक भारत का क्या होगा, चीफ जस्टिस होगा, और उसकी नियुक्ति उसके जो है अन्य उसमें अन्य जजों की नियुक्ति चीफ जस्टिस के उस पर कहने पर राष्ट्रपति द्वारा होगी, ठीक है। ये एक बात होगी, चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति का कहीं और बातचीत का कहीं वर्णन है क्या सुप्रीम उसमें संविधान में, तो है एक जगह, कहां पर है, आर्टिकल 143 परामर्श की बात करता है, आपको याद होगा आर्टिकल 143 परामर्श की बात करता है कि राष्ट्रपति किसी भी विषय पर चीफ जस्टिस से परामर्श ले सकता है। अब ये इसमें क्या है कि ये जो 1998 का जो कॉलेजियम बना है इसमें इस आर्टिकल का भी लेना देना है थोड़ा सा, क्या है उसको मैं बताता हूं। इसमें एक शब्द है कि क्या करेगा, राष्ट्रपति चीफ जस्टिस से परामर्श ले सकता है, ठीक है। तो उस समय 1998 में राष्ट्रपति थे केआर नारायणन, कौन थे, केआर नारायणन। अभी उनकी पूरी स्टोरी आपको सुनाता हूं, उस केस की, तीसरा जजेस केस उसको कहते हैं, ये लास्ट केस था, इसी के बाद कॉलेजियम पूर्णतः पावर में आ गया। एक बात याद रखिएगा कि क्या आरोप लगते हैं, वंशवाद के आरोप लगते हैं कि जज का बेटा ही जज बनता रहेगा लगातार, क्यों, क्योंकि वही लोग बेंच में है, वही लोग सिफारिश करते रहते हैं, आगे चलता रहता है, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। लेकिन 1998 में एक बात और निकल के आई कि उन्होंने कहा कि भाई अभी कुछ समय पहले, कब, जब 2015 में केंद्र सरकार एक एक्ट लेके आई थी, इसका नाम था NJAC, एक एक्ट लेके आई थी NJAC। ये एक्ट जो है, इस एक्ट में 2015 में जब ये आया न्यायपालिका में सुधार के लिए, ठीक है, न्यायपालिका में सुधार के लिए NJAC एक्ट आया था, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया इस अधिनियम को, ठीक है। इसने कहा कि ये जो है कार्यपालिका का न्यायपालिका में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होना चाहिए, इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया। और तभी उन्होंने कहा कि अब से जो भी जजेस और उसकी पोस्टिंग वगैरह होगी वह सब अपडेट होगा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक प्रोविजन था। अब थोड़ा सा और बता देता हूं ये होता क्या है। सामान्यता क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है जब किसी की नियुक्ति होती है तो किस प्रकार होती है आपको पता होगा कि जब जजेस की नियुक्ति होती है तो सबसे पहले क्या होता है, ये मैं कॉलेजियम के काम की चर्चा कर रहा हूं, कॉलेजियम का उपबंध संविधान में कहीं नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, कोई पूछे कहां है, कहिएगा संविधान में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और की नियुक्ति कॉलेजियम कैसे करता है, तो कॉलेजियम जो है जो 1+ यानी चीफ जस्टिस और चार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जो हैं ये लोग मिलकर के कुछ नामों की लिस्ट बनाते हैं एक संतुति के लिए। ये नाम जो है किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन नामों की, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक आध नाम बढ़ा सकती है अपना नाम, मतलब एक आध नहीं, वो चाहे तो वो ये वापस लिस्ट भेज करके उनको कह सकती है कि भैया इसमें कुछ नाम और बढ़ा लीजिए, ये नाम सजेस्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी जांच करके या सुप्रीम कोर्ट अपना तय करके वापस वो लिस्ट कहाँ भेजता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उन नामों की, किसके थ्रू, एक एजेंसी है हमारे देश में IB, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, IB के तहत उन नामों की जांच करा सकती है, और जांच कराने के बाद उसको कहाँ भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देता है, ठीक है। राष्ट्रपति
एक प्राविधान और भी है, राष्ट्रपति इस पर मोहर लगाता है और वो बन जाते हैं। ये तो पूरा प्रोसेस हो गया। अब इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है? टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम, जिसको हम कॉलेजियम कहते हैं, ये कॉलेजियम आकर कोई लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस लिस्ट को क्या करती है, वापस कर देती है। क्या करती है? राष्ट्रपति, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें खेल ज्यादा नहीं है, सिर्फ जांच कराने का है। जांच कराने के बाद इनको वापस लिस्ट दे देनी होती है कि हाँ ठीक है। अब ये जो है राष्ट्रपति के पास जब ये लिस्ट जाती है, मंत्रिपरिषद के द्वारा ही जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति की सलाह के लिए कौन है? मंत्रिपरिषद है, ठीक है। हालांकि 143 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह ले सकता है ना, आपको मालूम है। तो राष्ट्रपति जो है ये, इसके पास जब लिस्ट जाएगी तो एक बार को ये वापस कर सकता है, एक बार को ये वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार में वो तुरंत ही क्या करता है, राष्ट्रपति दूसरी बार में उसको दे सकता है अपने को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बार में क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट वापस भेजी दूसरी बार, तो फिर राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकता है, उसको क्या करना होगा, उसको जो है उसको पूरी तरीके से जो भी नाम जाएंगे उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी मोहर लगानी पड़ेगी, फाइनल करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई आपकी एक बात की, जजों की नियुक्ति के संदर्भ में, ठीक है। अब आपको बताता हूं कि ये उत्पत्ति कहां से भी है, तो थ्री जजेस केस जिसको हम कहते हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसकी एक लिस्ट बना के भी लाया हूं कि कौन कौन से हैं, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग एक बार कि जजेस के केस में घटनाक्रम क्या था। तो सबसे पहले देखिए, प्रथम द्वितीय और तृतीय न्याय के मामले जो हैं, इसमें पहला केस था, ये केस था एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ का। ये एसपी गुप्ता भी जस्टिस थे, ठीक है, जस्टिस एसपी गुप्ता थे। तो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 में ये केस था। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के आधार पर, किसके बहुमत के, मेजॉरिटी के आधार पर यह निर्णय दिया कि न्यायाधीशों के चयन में, किसके न्यायाधीशों के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रधानता की अवधारणा हमारे संविधान में कोई स्थान नहीं रखती है। मतलब चीफ जस्टिस जो है उसकी कोई प्रधानता नहीं है जजों के नियुक्ति के लिए। चीफ जस्टिस उनका कार्य, काम करते समय हेड हो सकता है, लेकिन नियुक्ति के समय उनका हेड नहीं होता है, ठीक है। यह बात इस केस में एसपी गुप्ता में कही गई, ठीक। और क्या क्या था, यह भी माना गया कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में की जाने वाली नियुक्ति का प्रस्ताव आवश्यक रूप से या आवश्यक रूप से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की ओर से आना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर हाई कोर्ट में जो है, मैंने बताया ना कि हाई कोर्ट की जब नियुक्ति होती है तो वहां का चीफ जस्टिस शामिल होता है, जिस हाई कोर्ट में किसी की नियुक्ति होनी है वहां का चीफ जस्टिस शामिल होता है। तो ये भी नहीं कि अभी जो सिस्टम है वो क्या है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से लिस्ट जाती है कॉलेजियम के पास सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम उसको फाइनल करता है तो नियुक्ति होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये भी उस समय कहा गया कि यह भी आवश्यक नहीं है कि नाम वहां से आए, ठीक। इसके बाद कहते हैं बल्कि यह प्रस्ताव अनुच्छेद 217 में उल्लेखित विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों में से किसी एक की ओर से भी आ सकता है। वहां पर कौन कौन से संवैधानिक पदाधिकारी थे, तो वहां राज्यपाल भी थे, राज्यपाल भी चाहे तो लिस्ट भेज सकता था, ठीक है, जब कॉलेजियम का सिस्टम नहीं आया था। कॉलेजियम की शुरुआत यहीं से हो रही है आने की, ठीक है। कौन से केस है, नाम ध्यान रखिएगा, आकर क्वेश्चन आपकी परीक्षा बन जाए कि थ्री जजेस केस में से इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो तीनों नाम आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कहा गया। आगे कहता था इसमें संविधान पीठ ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 124 क्या है, 124 जो है सुप्रीम कोर्ट की बात करता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कैसे नियुक्ति होगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 124 और 217 में, 217 हाई कोर्ट की नियुक्ति की बात करता है, ठीक है। प्रयुक्त परामर्श, यहां पे देखिए एक परामर्श शब्द आ गया, ये परामर्श शब्द जो है कहां कहां है, 1, 2 और 143 में तो है ही है। शब्द का मतलब सहमति नहीं है, सब परामर्श का मतलब सहमति नहीं होता है, परामर्श मतलब एडवाइस दे रहे ना। इसका मतलब यह है कि भले ही राष्ट्रपति अनुच्छेद में बताए गए पदों पर बैठे लोगों से परामर्श करेंगे लेकिन उनका निर्णय आवश्यक रूप से दी गई परामर्श से बाध्य नहीं है। मतलब राष्ट्रपति जो परामर्श लेगा, वो परामर्श मिलने के बाद वो बाध्य नहीं है कि वो उसी प्रकार का कार्य करे। अर्थात राष्ट्रपति अपना स्वतंत्र निर्णय दे सकता था। इस केस में एक आगे परामर्श को आवश्यक नहीं है कि जो माना जाए। आपके बता दें कि यह स्थिति जो है, मतलब ये स्थिति जो है कब तक बनी रही, 12 वर्ष तक, यानी जो केस आया 1981 का, उसके बाद 12 वर्ष तक यही था कि जो है कोई भी नाम सजेस्ट करेगा, वो नाम आएगा तो जो है जज बन सकता है,
इस प्रकार के लिए, यानी 124 और 217 आर्टिकल में जो लिखा है वही संवैधानिक प्रावधान सीधे चलने लगे, लेकिन जहां परामर्श शब्द का इस्तेमाल था वो बाध्यकारी राष्ट्रपति पर नहीं था। इसका मतलब नियुक्तियों में जजेस की यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन दोनों की पूर्णता नहीं चल सकती थी, ठीक है, वहां पर कार्यपालिका का हस्तक्षेप था। दूसरा जजेस केस में आया, उसमें कहा गया दूसरे जजेस केस में कि ये दूसरा जजेस मामला था, ये तो क्या था, ये जजेस केस का मामला यहां से है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, ये केस का नाम है दूसरा, ये 1993 में आया था, पहला कब आया था 1981 में, ठीक है, एसपी गुप्ता भारत संघ 1981 में, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 में आया था। इसमें कहा गया था कि 9 जजों की एक बेंच थी, संविधान पीठ थी, जिसने एसपी गुप्ता के मामले को क्या करा, पलट दिया। एसपी गुप्ता में कहा गया था कि परामर्श बाध्यकर नहीं होगा, और कहा गया था क्या कि सीधे हाईकोर्ट में नियुक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि चीफ जस्टिस के द्वारा ही नाम आए। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि एसपी गुप्ता को, जैसे केशवानंद भारती के मामले को, केशवानंद भारती में जो है पुराने मामलों को पलटा गया था, वैसे इसमें भी है कि एसपी गुप्ता के केस को सुप्रीम कोर्ट में पलट दिया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के केस में 12 साल बाद यह केस हुआ और इसमें बदल दिया गया, पलट दिया गया, और 9 जजों की संविधान पीठ ने पूर्ण बहुमत के साथ ये निर्णय दिया, फैसले को रद्द कर दिया, किसको, एसपी गुप्ता के, और न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम नामक एक विशिष्ट प्रक्रिया तैयार की। उस समय जब ये 1993 में आई, उस समय कॉलेजियम में, अभी मैंने बताया कॉलेजियम में कितने लोग हैं, 5 लोग, चीफ जस्टिस और 4 अन्य सीनियर मोस्ट जज, उस समय था चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज, 3 थे। कब, 1993 में जो कॉलेजियम आया, यहां जब जो वर्तमान कॉलेजियम है वो पूर्णतः 1993 वाला नहीं है, ठीक है। इस कॉलेजियम प्रणाली के बारे में हम पहले ही बता सकते हैं, बता चुके हैं कि कौन कौन सी है, मैंने पूरी शुरुआत में इसको पूरा बता दिया है, ठीक है, आगे चलते हैं। यहां कहता है, ये देखिए परामर्श शब्द यहां पर जो इन्होंने कहा था, वो कहा था कि परामर्श शब्द नियुक्ति और ट्रांसफर के मामले में मुख्य न्यायमूर्ति के महत्ता को कम नहीं कर सकता है। मतलब जहां वो कहा गया था एसपी गुप्ता में, कहा गया था कि परामर्श बाध्यकर नहीं होगा, तो इस वहां पर क्या था, चीफ जस्टिस जो था उसकी जो परामर्श की शक्ति 143 वाली थी उसको क्या कर दिया, कम कर दिया जा रहा था ये, ठीक है। परामर्श शब्द नियुक्ति एवं ट्रांसफर के मामले में न्यायमूर्ति की महत्ता को कम नहीं करता है, यानी कि अगर ये नहीं है कि न्यायमूर्ति नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए अगर परामर्श शब्द बाध्यकर नहीं है तो इसका मतलब होगा ही नहीं, उसकी कोई रोल नहीं है, ये कहा गया। आगे कहा गया कि निर्णय ये कहते हुए सुनाया गया कि सर्वोच्च अदालत को न्यायपालिका की अखंडता, देखिए कितना इंपॉर्टेंट शब्द ये है, याद रखिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं आजकल, न्यायपालिका की अखंडता की रक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा, ये दो शब्द हैं, के पक्ष में कार्य करना चाहिए और इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को प्रधानता प्रदान की जानी चाहिए। ये बात कही गई थी कहां, इस केस में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 में, ठीक। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका प्रकृति में महत्वपूर्ण है, और चूंकि यह मामला न्यायिक परिवार के भीतर का है, एक विषय है, इसलिए कार्यपालिका का इस मामले में बराबर का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। यह जजमेंट था किसका, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में, जिसमें एसपी गुप्ता के मामले को पलट दिया था। कोलिजियम प्रणाली के बारे में बताते हुए अदालत ने कहा कि नामों की सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों, देखो मैंने बताया था ना, दो वरिष्ठतम सहयोगियों, चीफ जस्टिस प्लस 2, यानी कि 3 हो गए, ठीक है, इनके द्वारा सहयोगियों के द्वारा परामर्श करके की जानी चाहिए, और इस तरह की सिफारिश को आमतौर पर क्या है, आमतौर पर कार्यपालिका द्वारा प्रभाव दिया जाना चाहिए। मतलब अब ये जो है 1993 में क्या हुआ, ये जब डिसीजन दिया गया तो कहा गया कि नहीं, एक अलग निकाय है, हम लोग खुद के लिए काम करेंगे, कार्यपालिका को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए क्या क्या गया कि जो भी नाम हम सजेस्ट करेंगे उसको क्या है, कार्यपालिका द्वारा प्रभाव दिया जाना चाहिए। भारत में कार्यपालिका प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति होता है, ठीक। इसके बाद कहता है, इसमें कहा गया कि कार्यपालिका कॉलेजियम से इस मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है, मैंने अभी बताया ना कि वापस कह सकती है, वापस भेज सकती है, पुनर्विचार करिए, लेकिन पुनर्विचार के बाद अगर वापस गया दोबारा नाम, फिर कैंसिल नहीं हो सकता,
हाँ, लेकिन एक बात उसमें ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति के को ये टाइम लिमिट है कि जब मर्जी करे, लटका भी सकता है, वो पॉकेट वीटो है ना उसके पास, और लटका सकता है राष्ट्रपति, ठीक है कह सकते हैं, और इस उसे बता सकती है कि उसे किस नाम पर आपत्ति है, ठीक। हालांकि पुनर्विचार करने पर अगर कॉलिजियम ने अपनी सिफारिश फिर से उसी नाम पर दी तो कार्यपालिका वह नियुक्ति करने के लिए बाध्य होगी। क्लियर हो गई बात। तीसरा जजेस केस यही है जो वर्तमान कॉलिजियम सिस्टम है उसके लिए यही है। ये क्या है, तो ये कहता है तृतीय जजेस केस 1998 का, मैंने बताया ना वर्तमान कहां से, 98 से। राष्ट्रपति के आर नारायणन की बात मैंने की थी ना, कि अब बताऊंगा राष्ट्रपति के आर नारायणन संविधान के अनुच्छेद 143 मैंने बताया परामर्श वाली बात, ठीक है, सलाहकार क्षेत्र अधिकार है राष्ट्रपति का ये, ठीक, के तहत परामर्श शब्द के अर्थ पर सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक राष्ट्रपति संदर्भ जारी किया है, ठीक है। क्या किया उन्होंने, एक रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है पूछने के लिए, ठीक है, उनसे पूछने के लिए एक रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब भी होता है पूछना एक तरीके से, ठीक है, तो रेफरेंस जारी किया। सवाल यह था कि क्या परामर्श, यानी परामर्श माने जो 143 आर्टिकल में परामर्श को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति न्यायाधीश की राय बनाने में कोई न्यायाधीशों के साथ परामर्श की आवश्यकता थी, या क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश का एकमात्र विचार परामर्श का गठन कर सकता है। मतलब ये था कि नरेंद्र ने पूछा कि जो परामर्श शब्द है उसमें सिर्फ चीफ जस्टिस अकेले शामिल होता है या अन्य जजों को भी सलाह ली जाती है, यह बात किरण नारायण ने रेफरेंस में पूछी। जवाब में इसका जवाब आया, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों और तबादलों के लिए कोरम, या इसको कहते हैं कोरम, के कामकाज के लिए 9 दिशा निर्देश जारी कर दिए। क्या कहा उन्होंने, फिर बताया उसमें 9 दिशा निर्देश जारी किए, और उन 9 दिशा निर्देश ही कॉलिजियम का वर्तमान स्वरूप बन गया। क्या कहा, मौजूदा समय में कॉलिजियम का स्वरूप बन गया और यही लागू है वर्तमान में, जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग अब कॉलिजियम से होती है। राय रखी गई थी कि नामों की सिफारिश 2 के बजाय भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम जज, अब वर्तमान स्वरूप क्या हो गया, 1+4 हो गया, पहले क्या था 1993 में 1+2, सहयोगियों द्वारा की जानी चाहिए। यह भी माना गया कि जब किसी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश का नाम आता है तो वह उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो उसी हाई कोर्ट से उनके क्या नाम है उनसे भी सलाह ली जानी चाहिए। मैंने कहा था ना शुरुआत में बताया कि सुप्रीम कोर्ट में कोटा होता है हर राज्य का, तो जिस हाई कोर्ट में नियुक्ति होगी उस राज्य के उस हाई कोर्ट से जो आया होगा वहां सुप्रीम कोर्ट में उससे भी सलाह ली जाएगी, ठीक है दोस्तों। यह भी कहा गया कि अगर 2 न्यायाधीशों के, ठीक है, अभी कहा गया 2 न्यायाधीश का मतलब यहां पर है जो कॉलिजियम में होते हैं, ठीक है, कहा गया कि अगर 2 न्यायाधीशों ने किसी नाम पर प्रतिकूल राय दी है यानी विपरीत राय दी है, यानी 1+4 है, अगर इसमें से किसी 2 ने मना कर दिया तो भी भारत के मुख्य न्यायाधीश को सरकार को सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए, यानी कॉलिजियम में इनके इनमें जो है अगर 5 लोग हैं तो 5 में 4 अगर समर्थन कर दे तो बन जाएगा, 2 अगर विपरीत गए तो नहीं बनेगा व्यक्ति जज। एक दृष्टिकोण से इस फैसले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को कॉलिजियम का एक अति महत्वपूर्ण पद के तौर पर घोषित कर दिया गया। ये वर्तमान स्वरूप कॉलिजियम का है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आगे पूरी प्रक्रिया है, एक इसके बाद जो प्रक्रिया है वो है एनजीएसी की, क्योंकि कॉलेजियम में वंशवाद पर आरोप लगते रहते हैं। तो क्या है एनजीएसी भी एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। एनजीएसी एक्ट जो है वो 2014 के बाद आया है 15 में। कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रपति ने, ये देखो, कॉलेजियम के स्थान पर राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग एनजीएसी को संविधान के 93, ठीक है, 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में संशोधित करके 13 अगस्त 2014 को लोकसभा और राज्यसभा में 13 अगस्त को लोकसभा में और 14 अगस्त को राज्यसभा में पारित करा लिया था। किसको, एनजीएसी एक्ट को, यानी न्यायपालिका में सुधार, ये वंशवाद खत्म हो जाए इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया था। स्ट्रक्चर क्या इसको समझ लीजिए, हालांकि अब ये उपयोग का नहीं रह गया है, सिर्फ नाम भर उपयोग रह गया है, ठीक है। इसके साथ ही संसद ने एनजीएसी के कार्यों को विनियमित करके करने के लिए राष्ट्रीय नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 भी पारित किया। दोनों विधेयकों को 16 राज्यों, कितने राज्यों में, 16 राज्यों में विधानसभाओं द्वारा भी अनुमोदित किया गया कि हाँ ऐसा संशोधन होना चाहिए, ऐसा एक्ट आना चाहिए। राष्ट्रपति ने 31 दिसंबर 2014 को, यानी कि 15 में लागू हो जाएगा अब, ठीक है,
को इस पर अपनी सहमति दे दी 31 दिसंबर 2014 मिलेगा तो 15 में लागू हो जाएगा। एनजेएससी अधिनियम संवैधानिक संशोधन, अब देखिए क्या है, एनजेएससी बना तो कहीं ना कहीं संशोधन भी हुआ होगा। एनजेएससी अधिनियम और संवैधानिक संशोधन अधिनियम 13 अप्रैल 2015 से लागू हो गया, ठीक है, लागू हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये जो एनजेएससी एक्ट बन गया और लागू हो गया, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता इस पर आने लगी। तो ऐसा कहा गया प्रस्तावित था कि इसमें 6 लोग शामिल होंगे, इसमें लोग कौन थे इसको देख लीजिए, जो न्यायाधीशों के नाम पर अपनी सिफारिश देंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश एक, ये हेड बना रहेगा इसका। सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश और रहेंगे, यानी कोलेजियम में से 3 हो गए, ठीक है, सबसे वरिष्ठतम जो होंगे वो। कानून मंत्री भी इसमें शामिल किया गया, देश का कानून मंत्री जो होगा, ठीक है, और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति। बस ये जो 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यहीं पर आपत्ति हो गई। लेकिन ये 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन कौन नियुक्त करेगा? तो देश में इसको नियुक्त करने के लिए मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष का नेता, इन तीनों की एक कमेटी बनेगी, वही इन 2 नामों को नियुक्त करेगी, ठीक है। इस पे ही सुप्रीम कोर्ट को जो है आपत्ति हुई और उन्होंने जो है इसको असंवैधानिक घोषित किया कि न्यायपालिका में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप की बात है। तो दोस्तों यहां तक ये पूरा होता है, तब तक मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद।